आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि कैसे आप अपने Vivo T3 Android मोबाइल फोन में आप अपने मोबाइल फोन में ना कॉन्फ्रेंस कॉल कैसे कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ, तो चलिए यहाँ पे वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए मोबाइल फोन का आपको ना डायल पैड ओपन कर लेना है। डायल पैड में आपको अब यहाँ पर कोई भी एक नंबर यहाँ पर आपको डायल करना है, ठीक है। मैं यहाँ पर एक नंबर यहाँ पर डायल कर लेता हूँ, याला। अब देखिए नंबर जो मैंने डायल किया ना, अब ये सामने वाला पर्सन मेरी कॉल को रिसीव कर लेगा ना, तो मैं आपको आगे का प्रोसेस आपको समझाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कॉल हमारी जो है ना रिसीव हो चुकी है और यहाँ पर एक काउंटिंग यहाँ पे चलने लग रही है, ठीक है। तो अब आपको करना है क्या है, नीचे की साइड आपको ये ऐड कॉल का ये ऑप्शन टैप करना है, तो आपका फिर से जो है डायल पैड ओपन हो जाता है, ठीक है। अब देखिए डायल पैड में अब आपको जो है ना कोई भी जो है दूसरा नंबर यहाँ पर आपको डायल करना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर मैं कस्टमर केयर नंबर यहाँ पे डायल कर लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये दूसरा पर्सन भी हमारी कॉल को रिसीव कर लेता है ना, काउंटिंग यहाँ पे चलने लगती है इस तरीके से, तो आपको नीचे की साइड ये मर्ज कॉल का ऑप्शन दिखेगा, मर्ज कॉल पर आपको टैप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है ना इस तरीके से आपकी जो कॉल है ना, ये देखिए कॉन्फ्रेंस कॉल में बदल जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने फोन में इजिली कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा डिटेल में और जानकारी आपको दे देता हूँ। देखिए दोस्तों, जब हम कॉन्फ्रेंस कॉल हमारी होने लगती है ना, तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पर्सन होल्ड पे नहीं रहता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने दो नंबर डायल किए हैं और मैं खुद तीसरा पर्सन हो गया, हम तीनों लोग मिलके ना एक ही कॉल लाइन पे हम बात होती है हमारी, और कॉन्फ्रेंस कॉल में कोई भी एक पर्सन बोलेगा ना, तो बाकी के दोनों पर्सन को सुनाई देगा, ठीक है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि कॉन्फ्रेंस कॉल करने के लिए आपको दो नंबर ही डायल करने पड़ेंगे। आप चाहे तो यहाँ पर जो है ना नंबरों की संख्या बढ़ा सकते हैं, यानी और भी पर्सन को आप यहाँ पे कॉन्फ्रेंस कॉल में ऐड कर सकते हैं, 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। क्यों, वही सेम प्रोसेस है, आपको करना क्या, ऐड कॉल पे टैप करना है, आपका डायल पैड आएगा, तीसरा नंबर डायल करना है, वहां पर जो तीसरा नंबर जो कॉल रिसीव कर लेगा ना, काउंटिंग चलने लगेगी, फिर से आपको नीचे की साइड मर्ज कॉल का ऑप्शन दिखेगा, मर्ज कॉल पे टैप कर देना है, तो आपके ऐसे करके इजीली और भी पर्सन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, इस तरीके से आप दोस्तों मैंने फाइनली आपको बता दिया, इस तरीके से आप अपने फोन में कॉन्फ्रेंस कॉल कर सकते हैं, ठीक है।